अगर ना होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर ना होते हम तो बोलो ये सब कृष्ण उठाता कौन, अगर ना होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर ना होते हम हो तो बोलो ये सब कृष्ण उठाता कौन। शब्दार्थ बादल माने क्लाउड, नभ स्काई, रचपाता क्रिएट, इंद्रधनुष रेनबो, हम वी सब और कृष्ण क्वेश्चन। अगर ना होते बादल नभ में इंद्रधनुष रचपाता कौन, अगर ना होते हम तो बोलो ये सब कृष्ण उठाता कौन, अगर ना होते बादल नभ में इफ देर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई इंद्रधनुष रच पाता कौन, हु विल क्रिएट द रेनबो। अगर ना होते बादल नभ में इफ देर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई इंद्रधनुष रच पाता कौन, हु विल क्रिएट द रेनबो। अगर ना होते हम तो बोलो, फाइनली द पोएट से देर विल बी नो वन टू आस्क क्वेश्चंस, ये सब प्रश्न उठाता कौन इफ वी डू नॉट एक्सिस्ट। अगर ना होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन, फाइनली द पोएट सेज देयर विल नो वन टू आस्क क्वेश्चंस इफ वी डू नॉट एक्सिस्ट। आज व्याकरण पढ़ाएंगे। व्याकरण में पहला वचन, वचन माने नंबर्स। नंबर्स दो प्रकार है, एक सिंगुलर दूसरा प्लूरल। हिंदी में सिंगुलर को एकवचन कहते हैं और प्लूरल को बहुवचन कहते हैं। एकवचन माने एक चीज को बताते हैं, बहुवचन माने दो या अनेक चीजों को बताते हैं। ये पर्वत माने एकवचन, बहुवचन पर्वत। बादल एकवचन, उसको बादल बहुवचन। दिन एकवचन, उसको बहुवचन दिन। पेड़ फूल। कुछ पुल्लिंग शब्दों को एकवचन और बहुवचन दोनों एक ही तरह रहते हैं, इसीलिए हम उसी को लिख दिया है। दूसरा ये अकार माने एकार आता है, एकवचन में अंतिम अक्षर को एकार लगाने से बहुवचन होते हैं, रात दाते पौधा पौधे। और उसके बाद तीसरा यकार आते हैं स्त्रीलिंग शब्दों को, यकार अंत में आते हैं, नदी नदियां। और एक बार देखेंगे, वचन दो प्रकार है, एकवचन बहुवचन, पर्वत पर्वत पर्वत, बादल बादल, दिन दिन, पेड़ पेड़, फूल फूल, रात रातें, पौधा पौधे, नदी नदियां। इसके बाद उल्टे शब्द के बारे में देख लेंगे। उल्टे शब्द माने अपोजिट्स, रात दिन, भला बुरा, प्रश्न उत्तर, निर्मल मलिन। उल्टे शब्द माने एक को उसके रात दिन, भला बुरा, प्रश्न उत्तर, निर्मल मलिन। पर्यायवाची शब्द, इसको समानार्थी शब्द भी कहते हैं। चांद माने शशि चंद्रमा, चांद माने शशि चंद्रमा। सूरज सूर्य रवि, फूल पुष्प सुमन, पहाड़ गिरी, पेड़ वृक्ष तरु पादा, नदी सरोवर। ये एकदम परीक्षाओं में चांद शब्द दिया तो शशि और चंद्रमा लिख सकते हैं, और चंद्रमा दिया तो शशि और चांद लिखते हैं, शशि दिया तो चांद चंद्रमा लिख सकते हैं, सूरज दिया तो सूर्य रवि लिखते हैं, रवि दिया तो सूरज सूर्य लिखना पड़ेगा, सूर्य दिया तो सूरज रवि लिखना पड़ेगा। फूल पुष्प सुमन, ये फूल दिया तो पुष्प और सुमन लिखना है, पुष्प दिया तो फूल और सुमन लिखना है, और सुमन दिया तो फूल और पुष्प लिखना है। पहाड़ गिरी, पहाड़ पर्वत गिरी, पर्वत गिरी, पहाड़ माने पर्वत गिरी। गिरी शब्द दिया सो पहाड़ पर्वत पहाड़ लिखना है,
और गिर पर्वत दिया तो पहाड़ गिरी लिखना है। पेड़ वृक्ष तरु पादाप तीन आते हैं। वृक्ष दिया तो पेड़ तरु पादाप लिखना है, तरु दिया तो पेड़ वृक्ष पादाप लिखना है, और नदी सरोवर ये एक ही लगते हैं, इसीलिए उसको एक ही शब्द लिखना पड़ेगा। शब्दार्थ पर्यायवाची शब्द माने समानार्थ शब्द, हिंदी में हिंदी से हिंदी पर्यायवाची शब्द लिखना है, हिंदी को हिंदी में अर्थ लिखना पड़ेगा।